लास्ट सेकंड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ था, मतलब एडन जंगू को हार्म करने वाला ही होता है। तभी यहाँ पे हवाएं आती है और एडन के जेब से निकाल कर ले जाती है और वो कहती है अगर तुम्हें इसे वापस लेना है तो तुम ले सकती हो, जैसे तुमने जंगू से लिया। और कहती है कि तुम्हें पता ही है अगर तुम मुझ पर हाथ भी उठाओगे तो ये बात जंगल की आग की तरह फैलनी है कि तुमने एक फीमेल आइडल पर हाथ उठाया या तुमने जंगू पर जो हाथ उठाया है उसकी भी मैं बड़ी सी न्यूज़ बनाकर चिपका सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। यहाँ पे युनसुक की बात करें तो एकदम टॉक्सिक फैन तो है ही, इसके साथ साथ वो ब्योल को भी अकेला नहीं छोड़ता एंड साथ साथ में वो किसी को बता रहा होता है कि उसे पता है कि जो ब्योल इस टाइम प्रोग्राम में है वो असली है ही नहीं, उसे असली ब्योल का पता है एंड वो उसकी फ़ोटो खींच कर तुम्हें बता देगा। ये बात एडन को भी पता लग जाती है कि जो ब्योल उनके सामने है दरअसल वो असली ब्योल है ही नहीं एंड असली ब्योल का पता उन्हें जल्दी चल जाएगा। इसके बाद वो ये बात लूनी को भी बताता है, तभी लूनी कहती है कि तभी मैं कहूँ इतना सस्पिशियस कैसे है, तभी वो लूनी से कहता है कि तुम्हें बात पता लगानी होगी कि कहीं ब्योल ये असली है भी या नहीं। यहीं पर बेचारे हम जंगू की बात करें तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं ब्योल और दो यून एक साथ ना रह जाएं, दो यून की ब्योल को लेकर ना उड़ जाए एंड उसको इसके सपने भी आने लगते हैं। इसके बाद वो सुबह भड़बड़ाकर उठता है और एक पलो फेंक कर दो यून को मारता है और कहता है कि उठ जाओ। तभी दो यून कहता है कि तुम्हें ऐसे मारने की क्या ज़रूरत थी, प्यास भी तो उठा सकते थे। तभी यहाँ पर जंगू कहता है कि तुम प्यास उठाने के लायक भी नहीं हो। दोयन को तो इन सब में काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो ब्योल के काफ़ी पास आता है और वो कहता है कि तो तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। वो जंगू को जेलस फील करवाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, यहाँ पर जंगू भी पूरा जेलस होता रहता है। दोयन दायन के इतने पास था तो जंगू भी आपे से बाहर हो जाता है एंड उसकी जेलसी उसके चेहरे से उसके कामों से साफ साफ झलक रही थी। ये बात हवाएं दूर से ही समझ रही थी। इसके बाद वो जैसे तैसे दोयन के ऊपर पानी गिरा देती है एंड उसे वहाँ से जाना पड़ता है। दायन चेंज करने के लिए जाती है तो उसके फ़ोन पर ब्योल का कॉल आता है एंड फ़ोन हवाइन के हाथ लग जाता है। तो फिर हवाइन कहती है कि ब्योल तो यहाँ पर है, फिर वो कैसे कॉल कर सकती है। इसके बाद जब फ़ोन उठाती है तो उसमें भी ब्योल ही बात कर रही थी। इसके बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है एंड दायन भी उसे छुपाती नहीं है क्योंकि उसे पता है कि हवाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद वो सारी बात हवाइन को बता देती है और उसे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी ना बताए। यहाँ पर लूनी भी रात के अंधेरे में आती है ताकि वे चेक कर सके कि ये असली ब्योल है भी या नहीं। इसके बाद ब्योल उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम रात में आकर मुझ पर क्या कर रही हो। तभी हवाइन कहती है कि तुम मुझे वो मार्क दिखाओ जो कि तुम्हारे पीछे है, मैं कंफर्म कर सकूं कि तुम ब्योल हो या नहीं। हवाइन जाग जाती है और वो भी लूनी पर चिल्लाती है और कहती है कि मैंने भी वो मार्क उसकी पीठ पर देखा है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा है मतलब सच ही होगा। तभी लूनी कहती है कि अच्छा तो ये बताओ कि वो मार्क किस साइड है। लेकिन ये बात रानी बात ही, मतलब लूनी को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गहरा शक हो चुका था। ब्योल भी सारी बातें जीहान को बता देती है कि आखिर उसकी लाइफ में आखिर आजकल क्या क्या चल रहा है एंड युनसुक उसे कितना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। इसके बाद जीहान आरी मिलकर एक प्लान बनाते हैं एंड इसके बाद वो युनसुक को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं जब ब्योल की फ़ोटो खींच रहा था। इसके बाद ब्योल उसे सारी बात समझाती है और कहती है कि तुम्हारी फ़ोटो खींच कर मतलब किसे साबित करना चाहते हो, और वो उसे बताती है कि किसी आइडल की लाइफ इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती जितना कि तुम सोच रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी जगह पर दिखूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन भी होती हैं। और वो कहती है कि तुम एक टॉक्सिक फ़ैन हो, तुम मेरे रियल फ़ैन हो ही नहीं। तभी युनसुक कहता है कि वो एक फ़ैन है, तभी तो वो चाहता है कि उसकी आइडल उसकी सही जगह पर हो। तभी यहाँ पर ब्योल उसे रियलाइज़ करवाती है कि वो भी एक टॉक्सिक है, अगर वो रियल फ़ैन होता तो वो ये सब करता ही नहीं एंड वो अपने आइडल का साथ देता। एंड ये बात सुनकर कहीं ना कहीं युनसुक मान जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। दो यून भी दायन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था एंड वो कोई भी मौका नहीं छूटता ताकि वो दायन के करीब आ सके एंड ये बात कहीं ना कहीं जंगू को काफ़ी खर रही थी। लास्टली दो यून दायन को बता ही देता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तभी दायन उसे सीधा सीधा मना कर देती है और कहती है कि वो जंगू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है एंड अगर लाइफ में कभी उसे जंगू से ब्रेकअप भी करना पड़ा तो उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई आएगा ही नहीं, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं होगा। इसके बाद दायन कहता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ही। दायन को देखें तो उसे पता चलता है कि अगर जंगू का ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़राब हुआ तो उसे बहुत ही बड़ा अमाउंट कंपनी को चुकाना पड़ेगा एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। इस बार एडन उसे छोड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो पूरी फिराक में है कि कहीं ना कहीं जंगू को वो इंडस्ट्री से निकाल सके। इसके बाद जंगू की भलाई के लिए वो जंगू के पास आती है और उससे कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मैं तुमसे चुपकर मिल रही हूँ, तुम मुझसे चुपकर मिल रहे हो, ये बातें बाहर आई तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा करियर कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। तभी जंगू उसके लिए रेसिस्ट करता है और कहता है कि देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा, पर ब्योल उसे ब्रेकअप का बोल देती है। यहीं पर लूनी को दायन का मोबाइल मिल जाता है और वो ब्योल को मैसेज कर देती है कि वो उसे कॉन्सर्ट के दिन 4 बजे मिले। ये मैसेज देखकर ब्योल भी तैयार हो जाती है कि उसे दायन से मिलना है। यहीं पर इन सभी की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी जा ही रही थी
और सब कुछ का भी परफेक्ट चल ही रहा था। इसके बाद जब बेचारा जंगबूत थकार कर रात में सो जाता है, तो दायुन उसके पास आती है एंड उसे सॉरी बोलती है और वो कहती है कि उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पर जंगबूत भी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो जानता है दायुन उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, पर उससे दूर रहकर जंगबूत कभी भी खुश रह ही नहीं सकता। यहीं पर हवाइन की बात करें कि आखिर वो जंगबूत की ज़्यादा हेल्प क्यों कर रही है, तो हमें पता चलता है कि हवाइन भी जंगबूत को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर बेचारी ये सब कभी कह नहीं पाई एंड आज वो जंगबूत को यही बात बता रही थी कि वो भी किसी को पसंद करती है। तभी जंगबूत उसे कहता है कि तू उसे जाकर कह दो ना, कोई भी इंसान तुम्हें रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता। अभी यहाँ पर हवाइन कहती है कि नहीं, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, दरअसल मैं कहती हूँ वो मुझे बस एक फ्रेंड की तरह दिखता है, अगर मैंने उसे ये सब कहा तो शायद हमारी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी, इससे अच्छा ये है अपनी दिल की बातों में दिल में ही दबा कर ही रख लूँ। एंड यहाँ पर जंगबूत कहता है कि एज यू विश। इसके बाद हवाइन और जंगबू एक साथ बैठकर अपना सॉन्ग प्ले करते हैं, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन जाता है। इसके बाद ब्यूल भी दायुन के कहने पर कंपनी में आ जाती है। यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो मास्क में भी ब्यूल को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी तैयार होना चाहिए, तुम्हारा प्रोग्राम है। इसके बाद दायुन भी उसी कमरे में आ जाती है। एरिन को भी पता चल गया था कि ब्यूल आ गई है, जो असली ब्यूल है वो अपनी जगह पर पहुँच चुकी है। इसके बाद लूनी से कहता है कि तुम्हें अपना काम करना है। लूनी पहुँच जाती है उसी रूम में जहाँ पर दायुन और ब्यूल थे। दायुन देख कर ये सब कुछ छुप जाती है एंड ब्यूल के सामने थी। तभी लूनी ब्यूल की फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाती है कि ये असली ब्यूल है। तभी वो कहती है कि तुम्हें जल्दी बताना चाहिए कि आखिर दायुन कहाँ पर है। इसके बाद ब्यूल कहती है कि वो ही असली ब्यूल है एंड तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी दायुन भी वहाँ पर आ जाता है और लूनी से कहता है कि तुम यहाँ पर बिचिंग करना बंद कर दो, क्योंकि तुमने पहले ही ब्यूल को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करवाया है, खुद में ही शेमलेस फील कर रही हो, तभी तो तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही। तभी लूनी कहती है कि वो सब कुछ पर्दाफाश करना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा स्टार्टिंग से ही, मतलब उसके डेब्यूट से ही ब्यूल को नापसंद करती है, वो उसे कभी पसंद नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहती है कि ब्यूल उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इसके बाद यहाँ पर दायुन सारी बातें लूनी की रिकॉर्ड तो हो ही रही थी, तभी दायुन उन सभी कैमरामैन से कहता है कि इसकी कॉपी आप मुझे दे देना एंड मैं इसे पब्लिश करने वाला हूँ। तभी लूनी को समझ में आ जाता है कि अब ब्यूल का तो पता नहीं, लेकिन उसकी लाइफ संकट में ज़रूर आने वाली है, क्योंकि एक तो उसे कोई कंपनी भाव नहीं दे रही, एक तो हरास वाला केस उसमें पहले ही लग चुका है एंड अब ये सब बवाल तो सामने आएगा, तो कोई ना कोई एक्शन तो उस पर होगा ही। लूनी तो लूनी है, डूबेगी तो साथ में दो चार को लेकर और डूबेगी। इसके बाद वो एडन के डैड को फोन करके बता देती है कि एडन कितना ज़्यादा पागल इंसान है। इसके बाद क्या था, एडन के डैड आते हैं, उसे दो चार थप्पड़ मारते हैं और उसे अभी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। इसके बाद एडन डूबा है तो वो भी दो चार को लेकर और डूबेगा। इसके बाद वो ब्यूल को लेकर जाता है स्टेज पर एंड साथ में यहाँ दायुन भी स्टेज पर रहती है, तो ब्यूल और दायुन को आमने सामने खड़ा कर देता है, सभी को बता देता है कि ये दोनों पब्लिक के साथ दरअसल धोखा कर रही हैं। इसके बाद ब्यूल भी रुकती नहीं है, वो सभी को बता देती है कि उसकी गलती है कि उसने दायुन को ये सब करने के लिए कहा, लेकिन वो भी इसके लिए अब बिल्कुल श्योर है कि अब वो अपना काम किसी पर थोपेगी नहीं। उसे इन सब चीज़ों से डर लगता है एंड वो कभी प्रोग्राम नहीं करना चाहती थी, पर उसकी कंपनी ने उसे फोर्स किया, पर वो इस बात के लिए सॉरी है कि उसने अपनी जगह किसी और को हायर कर दिया। जंगबू भी लगे हाथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता देता है कि वो हमेशा से दायुन को पसंद करते आया है एंड वो आगे भी उसे करता रहेगा। इसके बाद ब्यूल भी कैफे जाती है एंड यहाँ पर जीहान से कहती है कि क्या वो उसे डेट करेगा। तभी जीहान भी उसके लिए फटाफट मान जाता है कि वो भी ब्यूल को काफ़ी पसंद करता है और कहता है कि हाँ वो ब्यूल को बिल्कुल डेट करेगा। इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टार्ट तो पहले हो गई थी बट काफ़ी अच्छे से अब चलने लगती है। कि लास्ट में ब्यूल दायुन को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी दायुन कहती है कि हाँ उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कहती है कि आई होप तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल ही रहा होगा। तभी ब्यूल कहती है कि वो एक आइडल है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले ये सब हो ही नहीं सकता। इसी के साथ हमारे ड्रामे के दोनों सीज़न एंड होते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।